सब्सक्राइब कीजिए एच के शाम श्रृंगार को और बाजू वाला बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा राधे राधे सभी ठाकुर भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग गोपाल जी के लिए विंटर के लिए वेलवेट की ड्रेस देखेंगे। तो देखिए मैंने वेलवेट का कपड़ा यूज़ करके किस तरीके से ड्रेस बनाई है। तो यहाँ पे मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया है मरून कलर में, ठीक है। तो मरून कलर का मैंने कपड़ा लिया है और इसके साथ में मैं लूँगा बुकरम, जो मैंने कोई भी बुकरम आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने पेस्टिंग वाला लिया है। इसके बाद में हम लेंगे गोटा फ्लावर्स, इस तरीके से गोटे के फ्लावर्स मिलते हैं मार्केट में, वो आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस ड्रेस के अंदर कोई लेस वगैरह यूज़ नहीं की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुकरम के ऊपर 5.5 इंच का मैं सर्कल बना रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे 6 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच का सर्कल बना रहा हूँ, आप आपके गोपाल जी के हिसाब से साइज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो डायमीटर है वो आया है 11 इंच का। इसके बाद में मिडल साइड में मैं 1 इंच का या फिर 1.25 इंच का एक सर्कल बना लूँगा, आपके हिसाब से इसे बना सकते हैं, आपको जितना छोटा बड़ा चाहिए आप ले सकते हैं। इसके बाद में मैं बाहर से और इसको अंदर से कट कर दूंगा सर्कल को, तो कुछ इस तरीके से आएगा। देखो दोस्तों मैंने बीच में कोई कट नहीं लगाया, अंदर साइड से भी मतलब डायरेक्ट कट किया है, ठीक है। इसके बाद में हम इसके ऊपर वेलवेट का कपड़ा चढ़ाएंगे, इसके लिए मैं ग्लूगन का इस्तेमाल करूंगा। साइड साइड से ग्लूगन लगाते हुए जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ आप उसी तरीके से कपड़ा पेस्ट कीजिएगा। कपड़े में कोई घड़ी नहीं आनी चाहिए या फिर कपड़ा कहीं से मुड़ना नहीं चाहिए, कपड़ा हमें अच्छे से चिपकाना है। इस तरीके से करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके साइड से मोटा मोटा कट लगा देंगे और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए कट लगाएंगे, हमें फिनिशिंग वाले के साथ कट नहीं लगाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ा है। इसके बाद में एक 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 पेटल्स हम इसकी कट करेंगे और इसको साथ ही में ग्लूगन के साथ ऊपर साइड में चिपका देंगे, जिससे कि हमारे ड्रेस की फिनिशिंग अच्छी आएगी। जिस तरीके से मैं वीडियो में बता रहा हूं उसी तरीके से कीजिए। इसके बाद में देखिए पूरा करने के बाद में मैं यहाँ पे ड्रेस के अंदर बीच में से एक कट लगाऊंगा, इस तरीके से ड्रेस को मोड़ के जो हमें अंदर का सर्कल कट करना है। तो इस तरीके से जैसे हमने अंदर साइड से बुकरम को इसी तरीके से कट किया था दोस्तों, इसके बाद में एक एक पेटल्स के ऊपर हमने यहाँ पे भी ऐसे मतलब ये पेटल्स बनाई हैं और इसको हम इसके ऊपर चिपका देंगे कपड़े को, एक्सेस कपड़े को पीछे साइड में, जिससे कि ड्रेस की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है दोस्तों। बाद में देखिए यहाँ पे मैं सिंपल सा एक छोटा सा कट लगाऊंगा दोस्तों, मैं ज़्यादा पूरा कट नहीं करा, एकदम सिंपल से कट लगा के इस कपड़े को ग्लूगन से चिपका दूंगा और इसका कट कुछ इस तरीके से आएगा दोस्तों, जिससे कि हम हमारे गोपाल जी को ड्रेस पहनाते वक्त हमें दिक्कत ना आती है, इस तरीके से ये आता है, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरी साइड है दोस्तों उसके ऊपर हमें कपड़ा पेस्ट करना है और जिस तरीके से मैंने घड़ी लगा के बीच में से हमें इस तरीके से एक सर्कल कट कर लेना है दोस्तों, इस तरीके से देखिए एक अंदाजे से ही मैं सर्कल कट कर रहा हूँ इस ड्रेस के साथ में और फिर हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। और सेम इसी तरीके से हम जैसे पहले कट करके चिपकाया था उसी तरीके से कट करके हम चिपका देंगे अच्छे से, मतलब ये दोनों साइड से जब रहेगा हम लगाएंगे तो थोड़ी गर्म रहेगी, इस हिसाब से मैंने इसको पेस्ट करके कट भी कर दिया दोस्तों, ठीक है। अभी हमें इसके ऊपर गोटे के फ्लावर्स चिपकाने हैं, पहले हम इस तरीके से फ्लावर्स अरेंज कर लेंगे और बाद में हम इसके ऊपर एक एक करके चिपकाएंगे जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। पूरे इसके ऊपर हमें ये आप मैं अभी मैंने मेरे हिसाब से इसको रखे चिपकाए हैं फ्लावर्स, आप आपके हिसाब से आपकी मनपसंद हिसाब से आप इसको चिपका सकते हैं, जैसे कि मैंने
थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के पूरे ड्रेस के ऊपर इसको चिपकाया है। मरून कलर का और गोटे का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा दिखता है दोस्तों। आप चाहे तो कोई लेस भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गोटे से इसके ड्रेस के लिए फ्रिल भी बना सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं। बस एक बेस इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ड्रेस का बेस बनाना आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक एक फ्लावर्स के ऊपर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हाफ कट मोती जो होते हैं वो चिपकाएंगे। जो हमारे हाफ पर्ल्स होते हैं, कट किए गए मोती होते हैं वो यूज करेंगे। आपके पास वो ना हो आप सिंपली मोती यूज कर सकते हैं कोई भी। इसके बाद में देखिए, फ्लावर्स के ऊपर चिपकाने के बाद बीच बीच में जहाँ पे भी जगह बच रही है वहाँ पे मैं इस तरीके से रैंडमली मोती जो है चिपका रहा हूँ। मोती चिपकाने के बाद देखिए, ये साइड में चिपकाने के बाद मैं दूसरी साइड में चिपकाऊंगा। इस तरीके से आप चाहे तो चिपका सकते हैं या फिर आपकी मर्जी, ठीक है। ये हमारी ड्रेस का जो नीचे साइड का हिस्सा है वो कंप्लीट है। अभी हम चोली बनाना देखेंगे, इसको रख देते हैं साइड। देखिए यहाँ पे मैंने चोली के लिए कपड़ा कट किया है। ये मैंने कपड़ा लिया है 12 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा, 12x4 इंच का मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है, ठीक है। इसको मैं सिंपली कर दूंगा, देखिए सीधा कर देंगे हम इसको और सीधे साइड पे साइड में ग्लू लगाएंगे इस तरीके से स्ट्रेट। इसके ऊपर इस तरीके से कपड़ा लगा देंगे, चिपका देंगे, तो ये बन जाएगी हमारी उल्टी साइड, ठीक है। अभी उल्टी को हमें फिर से सीधा करना है, तो इसके लिए हम जिस तरीके से पैंट वगैरह का उल्टे पैंट को सीधा करते हैं उसी तरीके से हम इसको भी सीधा करेंगे। जस्ट मैं कैंची की हेल्प ले रहा हूँ दोस्तों, और इस तरीके से हमारा सीधा हो गया, ठीक है। बाद में बीच साइड में हम लगाएंगे इसके कट कुछ इस तरीके से, और ये हमारी दोनों बाजू तैयार हो गई। आप चाहे तो इसके ऊपर इस साइड में ग्लू भी लगा सकते हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरीके से। जिस तरीके से हमारी चोली जो है क्रॉस बनेगी और हमें पहनाने में काफी आसानी जाएगी दोस्तों। इसके बाद में साइड से हम गोटा चिपकाएंगे। मैंने गोटे के फ्लावर्स यूज किए हैं, इस वजह से गोटा पट्टी मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। आप चाहे तो प्लेन भी रख सकते हैं, प्लेन भी काफी सुंदर दिखता है। इस तरीके से गोटा चिपकाने के बाद जो इसके एंड है उसको हम इस तरीके से मोड़ के इसी के ऊपर चिपका देंगे, क्योंकि इस गोटे के जो है बहुत सारे धागे निकलते हैं दोस्तों इस वजह से। इस तरीके से दोनों साइड में हम गोटा चिपका देंगे। इसके बाद में मेरे पास ये डोरी है गोल्डन कलर की, मैं ये नीचे साइड में लगा रहा हूँ ताकि हम चोली को कमर से बांध सके इस तरीके से। आप चाहे तो गोटा पट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं डोरी की जगह पे। इस तरीके से हमारी चोली जो है कंप्लीट हो चुकी है और हमारी ड्रेस भी जो है पूरी तरीके से कंप्लीट है। इसका इस तरीके से लुक आता है दोस्तों, काफ़ी सुंदर दिखती है और काफ़ी बनाने में सिंपल है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे।